गीत का है, गीत सुनो। ये खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है, खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है। लोग इस जमाने में कहते हैं कि देखो भज्जा, हाँ भज्जा मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सतयुगों से चला जाया है, सतयुग से भाई ने भाई को मारा है। आज नहीं है कि आज लड़ाई हो रही हो, शुरू से आ रहा है ये खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है। खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है, ये न पहली बार हुआ है, हो न पहली बार हुआ है, न अंतिम बार हुआ है। खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है, खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है, खून के रिश्तों का खून कई बार हुआ है। अब सुनो कितने कितने भाव, समा के दो परवाने आपस में भाई भाई, एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई, हो एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई, एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई, एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई। कथा कहाँ की है, सतयुग की। सतयुग में शंकर जी ने सुम्ब निसुम्ब नाम के दो लड़का थे, तो शंकर जी ने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाही, तो वो दोनों गेंद खेल रहे थे और शंकर जी विश्व सुंदरी बन के उनके लगा बैठ गए। उन लड़कन ने देखो तो लड़का का बोले, एक भज्जा बोलो हमें चाऊ, एक भज्जा कहो हट हमें चाऊ, वो कल हट हमें चाहू, एक ही होत होत का मैं एक ने कहू, वहां सतयुग में खून हुआ है। समा के दो परवाने आपस में भाई भाई, समा के दो परवाने आपस में भाई भाई, एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई, हाँ एक नारी के पीछे भाई बन गया कसाई, आगे एक नारी के पीछे हो, एक नारी के पीछे भाई का खून हुआ है, न पहली बार हुआ है न अंतिम बार हुआ है, न पहली बार हुआ है न अंतिम बार हुआ है, न पहली बार हुआ है न अंतिम बार हुआ है, न पहली बार हुआ है न अंतिम बार हुआ है। आगे देवता की और भीमिषण भैया, दोनों है भाई भाई, भाई के संग में भाई ने वो ऐसी खेल बताई, भाई ने भाई के संग में ऐसी खेल बताई, ये भाई ने भाई के संग में वो ऐसी खेल बताई, भाई को भाई के संग में ऐसी गेल बताई। कैसी गेल, क्योंकि राम नहीं जानते थे कि रावण कैसे मरेगा, तो विभीषण गए और बोले इसके नाभि में बाण मार दो, इसका तुरंत संगाल हो जाएगा। तो राम ने वहां
रावण की नाभि में मान मारा तो क्या लिखना पड़ा, बन नाभि में मारो, बन नाभि में मारो, तुरंत संहार हुआ है, न पहली बार हुआ है। द्वापर में सुनो कहाँ हुआ, दसा पहिया धरन में धीर अब धरो धुरंधर, दसा पहिया धरन में धीर अब धरो धुरंधर, दसा पहिया धरा में धीर अब धरो धुरंधर, पीठ पर पार करो ना सुनो तुम मोर दीदर, पीठ पर पार करो ना सुनो मोरे वो तुम श्रीधर। कर्ण और अर्जुन दोनों लड़ाई करने गए तो कर्ण का रथ धरनी में धस गया और यहाँ कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन क्या कर रहा है, बाण का संगार कर। तो कर्ण बोला कि भाई अभी मेरा पहिया धरन में धसा हुआ है, अभी मेरे ऊपर बाण नहीं करो। लेकिन कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि भाई शत्रु तो शत्रु है, किसी भी हालत में हो तो बाण चलाओ। तो यहाँ इन्हें बाण मार दिया तो वहां उनकी खून हो गया। दसा पहिया धरा में धीरे अब धरो धुरंधर, पीठ पर बार करो ना सुनो मुरलीधर, पीठ पे बार करो ना सुनो मोरे वो मुरलीधर। ये अर्जुन के बाण से संहार हुआ है, न पहली बार हुआ है, न अंतिम बार हुआ है, न पहली बार हुआ है, न अंतिम बार हुआ है, न पहले बार हुआ है, न अंतिम बार हुआ है, न पहली बार हुआ है, न अंतिम बार हुआ है।